कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। सो बेसिकली अभी मैंने एक प्रोजेक्ट प्रावंडिया में किया था प्रैक्टिस, मतलब बहुत टाइम के बाद मैंने एक्चुअली रिवाइज किया है। एंड टू बी, अगर आप डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हो या डेटा साइंटिस्ट में जाना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज हैंड ऑन एक्सपीरियंस इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। अगर प्रैक्टिस छूट गई तो मतलब बॉस स्टार्टिंग से अगर आपको अगर मतलब कुछ सीखना भी होगा ना तो ऐसा लगने लगेगा कि सारी चीज़ें नई नई हैं। तो इट्स बेटर कि यार आप हर टाइम, मतलब मुझे भी जैसे भी वक्त मिलता है उस हिसाब से मैं करती हूँ। एंड जैसे कि शादी वाला घर है तो कहीं ना कहीं बाहर आना जाना रहता ही रहता है, सो इट्स नॉर्मल। बट जैसे भी वक्त मिलता है आई ट्राई टू डू दैट। और बस फिलहाल तो अभी मेरा एक प्रोजेक्ट हो चुका है। सो यहाँ पर कटिंग चॉपिंग करके रख दिया है, साथ साथ ही में महाराष्ट्र स्टाइल का खाना बनता है तो उसे वाटन जाता है, उसका भी प्रिपरेशन मैंने करके रखा है। साथ ही साथ में दूध भी बॉईल करना है और ब्रेकफास्ट की भी तैयारी साथ ही साथ चल रही है। तो मल्टीटास्किंग मॉर्निंग में अगर काम हो जाएगा तो इट इज़ फाइन। फिर क्योंकि घर आने के बाद इतना पेशेंस भी नहीं रहता और इतनी एनर्जी भी नहीं रहती है कि जाकर खाना बनाऊं। तो इवनिंग में अगर कुछ चाहिए रहेगा तो गरम गरम रोटी या फुलके के साथ परोस दूंगी खाना। और लेटली अभी जब ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तो फिर बुक रीडिंग का कीड़ा हो चुका है। और फिलहाल मैं मास्टर्स और इमोशन ये बुक रीड कर रही हूँ। एक्चुअली अमेज़ॉन पर है और काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर कोई अपने अपने इमोशंस के साथ डील करता है और बस, तो उसी चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन बताता है कि माइंड कैसे चीज़ों को लेता है, कितना अच्छा है, कितने लोग अच्छे बारे में बात करेंगे तो उस पर फोकस नहीं जाता पर सिर्फ नेगेटिव पर फोकस जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई है। और बहन की शादी है और उस वजह से पूरा घर में, मतलब बहुत जल्दी जल्दी एंगेजमेंट और जल्दी जल्दी शादी है, तो काफ़ी वक्त कम है और इस वजह से भागम भागी शॉपिंग साथ ही साथ में बहुत सारे काम होते हैं घर में, शादी के घर में। सो आपको भी पता होगा। एंड तो बस ये मेरा आज का दिन है जो कि मैं मतलब खाना बना दूंगी एंड देन मैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाऊंगी।